अन्यतम गोटे नुआ भिडे स्वागत। आज आम कौन करवा ना एसए टू एग्जाम कार्यपुस्तिका गाइड रु राजनीति विज्ञान आज आम डिस्कसन करवा। राजनीति विज्ञान तुम जो अच्छी आमर भारत और तहार पड़ोशी राष्ट्र ये भारत आर पड़ोशी राष्ट्र पाखापाखि 100 एमसीक्यू पूरा फुल चैप्टर को आज आम कौन कर सार बुझिपार। राजनीति विज्ञान बहुत इंपोर्टां चैप्टर तुम 4-5 मार्क क्वेश्चन आसव। इतिहास टोटाल जदि 25 मार्क आसला तेल पाखापाखि 4-5 तो मुझे भूल कहीदेली 25 मार्क रु पाखापाखि 8-10 क्वेश्चन आम राजनीति विज्ञान तुम देखा मिले आतिहास 15-16 क्वेश्चन इतिहास आसपार बुझिपार। तेणु बहुत इंपोर्टाट आहेतु ये एसए टू कोर्स अच्छी तेणु यहाँ ताहरी इंपोर्टाट बुझिपार। आउ एसए वन कोर्स जो आम टपिक गुड़ा सेगुड़िक तो आम एसए वन परीक्षा बेलू तार क्वेश्चन आंसर करे तुम्हें सेगुड़िक जा देखिपर तुम प्राक्टिस बुझिपार। चल वीडियो को स्टार्ट करवा ता पूर्व आमर इतिहास और राजनीति विज्ञान सिलेक्टिव क्वेश्चन आंसर मुझे वीडियो अपलोड हो जाए तुम्हें देखीद से सिलेक्टिव वीडियो में मुझे जहाँ जमी कही प्राक्ट करा तुम्हें से टीप्स को लेकिन प्राक्ट कर निश्चय भल नंबर रख। आडियोटी समस्त आग तुम सांग सेयार कर दि कारण राजनीति विज्ञान बहुत इंपोर्टाट आ चैप्टर भारत आर पड़ोशी देश एथर मिनिमम 4-5 क्वेश्चन सियोर आसो ग्यारंटी देखिए कहूँ तेल कार्यपुस्तिका गाइड रु। चल आज प्रथम क्वेश्चन देखा। देख प्रथम क्वेश्चन आमर आम देखा भारत आर पड़ोशी राष्ट्र द्वितीय पाठ जोटा भारत वैदेशिक नीति में तार फास्ट पाठ जोटा प्रथम पाठ यहाँ आम सिलेबस ना तेणु द्वितीय पाठ भारत और पड़ोशी राष्ट्र प्रथम आम देखा भारत आ पाकिस्तान विषय तेल देख प्रथम क्वेश्चन देखिए क्यों दुई देश मध्य टास्केंट शांति चुक्ति स्वाक्षरित होता है। टास्केंट शांति चुक्ति कौ दुई देश मध्य ना पाकिस्तान आ भारत भेतर किए करा रूस कर सोभियत रूस से रूस टास्केंट शांति चुक्ति स्वाक्षर करता कारण भारत पाकिस्तान युद्ध चली बुझिपार। दुई नंबर देखा टास्केंट शांति चुक्ति केवे स्वाक्षरित होता है टास्केंट शांति चुक्ति आम के 1966 मसीह बहुत इंपोर्टाट 1966 मसीह टास्केंट शांति चुक्ति स्वाक्षरित होता और मुझेदेली किए ना सोभियत रूस कर। तीन नंबर देखी केवे भारत और पाकिस्तान मध्य सिमला राजीनामा तेज़े सिमला राजीनामा आमर के 1972 मसीह सिमला राजीनामा स्वाक्षरित होता। चार नंबर देखा केवे भारत और पाकिस्तान मध्य युद्ध विरती रेखा को पुनः निर्धारण कर वर्तमान नियंत्रण रेखा स्थिरीकृत होता तेल वर्तमान नियंत्रण रेखा केवे हो ना 1972 मसीह से 1972 मसीह जब सिमला राजीनामा होता से वर्ष आमर कौन है ना नियंत्रण रेखा पुनः त्रणागला बुझिपार। पांच नंबर देखा केवे पाकिस्तान सहायत जम्मू और काश्मीर मुक्ति संगठन नामक एक विच्छिन्नतावादी संगठन जन्म नेला तेल यार राइट आंसर जो कौन ना 1998 मसीह ऑप्शन नंबर ख यही दिन आमर कौन होता है मसीह ना जम्मू काश्मीर मुक्ति संगठन नामक एक विच्छिन्नतावादी संगठन जन्म नहीं पाकिस्तान सहायतार। छ नंबर देखा केवे पाकिस्तान चघाई पर्वत आणविक शक्ति परीक्षा करता तेल पाकिस्तान केवे चघाई पर्वत आणविक शक्ति परीक्षा कर 1998 मसीह आउ भारत से कौट परीक्षा करता ना भारत से आम पोखरान पोखरान कौटी अच्छी राजस्थान पोखरान ठार आणविक शक्ति परीक्षा कर पाकिस्तान चघाई पर्वत आणविक शक्ति परीक्षा कर बुझिपार। जो एक्सट्रा डाटा गुरा कौच तुम्हें मन रखा पड़ो तुमको। सात नंबर देख सात नंबर देखिए पाकिस्तान सहित संपर्क उन्नति आने के भारत वाजपेयी सरकार उभय देश मध्य बस चलाचल निष्पत्ति नहीं तेल वाजपेयी सरकार जो अटल बिहारी वाजपेयी थे से 1999 मसीह बस चलाचल निष्पत्ति नहीं जहाँफल पाकिस्तान सहित आमर संपर्क भल हम बोली कितु बस चलाचल संभव हो पारा ना क्रिकेट मैच अनुष्ठान करने कहुपना। आठ नंबर देखा केवे भारत और पाकिस्तान मध्य कारगिल युद्ध संगठित होता तेल कारगिल युद्ध आमर के 1969 मसीह बुझिपार। नौ नंबर देख नौ नंबर देखिए केवे युक्तराष्ट्र आमेरिकार राष्ट्रपति बिल क्लिंटन सहित आलोचना पर पाकिस्तान प्रधानमंत्री नवाज शरीफ आतंकवादी मानक कारगिल रु हटिजापी निर्देश देते यार राइट आंसर जो कौन ना से 1969 मसीह जब कारगिल युद्ध होता। दस नंबर देखिए क्यों देशर राष्ट्रपति सहित आलोचना फल पाकिस्तान प्रधानमंत्री आतंकवादी मानक कारगिल रु हटिजापी निर्देश देते ये टीके पूर्व पढ़ले कौ देशर ना युक्तराष्ट्र आमेरिकार राष्ट्रपति किए थे ना बिल क्लिंटन बुझिपाल मन रखीद बिल क्लिंटन तत्वावधान तेल भारत पाकिस्तान यही तो क्वेश्चन आमर अच्छी एवं देखा भारत आउ चीन मध्य संपर्क जोटा कि बहुत इंपोर्टाट भारत चीन संपर्क देखा प्रथम क्वेश्चन
ପ୍ରଥମ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଇଛି, କେବେ ଏସୀୟ ସମ୍ପର୍କ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଚୀନର ଚିଆଙ୍ଗ କାଇ ଶେଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରେରିତ ପ୍ରତିନିଧି ଭାରତର ସ୍ୱୀକୃତିପ୍ରାପ୍ତ ତିଦ୍ଧତୀୟ ପ୍ରତିନିଧି ଦଳକୁ ବିରୋଧ କରିଥିଲେ? ତାହେଲେ ଏହାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଯେଉଁ କେବେ ଏହାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଯେଉଁ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଗ, 1947 ମସିହାରେ ସେ ବିରୋଧ କରିଥିଲେ। 2 ନମ୍ବର, କେବେ ଚୀନରେ କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ସରକାର କ୍ଷମତା ହଟାଇବା ପରେ ଭାରତ ଚୀନର କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ସରକାରଙ୍କୁ ସ୍ୱୀକୃତି ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲା? ତାହେଲେ ଭାରତ ଆଗରୁ କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ଚୀନର ଯେଉଁ କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ସରକାର ତାକୁ ସ୍ୱୀକୃତି ପ୍ରଦାନ କରିନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ପରେ କେବେ କଲା ନା 1949 ମସିହାରେ। 1949 ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଖ ହେଇଯିବ କ'ଣ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। 3 ନମ୍ବର, ଦେଖିବା କେଉଁ ଘଟଣାକୁ ଭାରତ ବିରୋଧ କରିବା ଫଳରେ ଭାରତ ଚୀନ ମଧ୍ୟରେ ତିକ୍ତତା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା? ତାହେଲେ କେଉଁ ଘଟଣାକୁ ନା 1950 ମସିହାରେ ଚୀନ ଯେତେବେଳେ ତିବ୍ଦତ ଅଧିକାର କଲା, ତିବ୍ଦତ ଯେଉଁଟା ସେଇଟାକୁ ଯେତେବେଳେ ଅଧିକାର କଲା ଭାରତ ତା'ର ବିରୋଧ କରିଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ଭାରତ ଆଉ ଚୀନ ମଧ୍ୟରେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ବା ଯୁଦ୍ଧ ମଧ୍ୟ ଲାଗିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ପରେ ଯୁଦ୍ଧରେ ଭାରତ ହାରିବା ପରେ ସେହି ସମସ୍ୟା ତିଦ୍ଧତ ଅଧିକାରକୁ ଭାରତ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱୀକୃତି ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲା। ଦେଖିବା 4 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, କେବେ ଭାରତ ଚୀନ ମଧ୍ୟରେ ପଞ୍ଚଶୀଳ ନୀତି, ପଞ୍ଚଶୀଳ ନୀତି ଏଇଟା ତୁମର ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ବା ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ମଧ୍ୟ ଆସିପାରେ 2 ବା 3 ନମ୍ବରିଆ, ତେଣୁ ପଞ୍ଚଶୀଳ ନୀତି କେବେ ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହୋଇଥିଲା ନା 1954 ମସିହାରେ, କାହା କାହା ଭିତରେ ନା ଭାରତ ଆଉ ଚୀନ ଭିତରେ। 5 ନମ୍ବର, ଦେଖ ପଞ୍ଚଶୀଳ ନୀତି କେବେ ବାନ୍ଦୁଙ୍ଗ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଗୃହୀତ ହେଲା? ତାହେଲେ ବାନ୍ଦୁଙ୍ଗ ସମ୍ମିଳନୀରେ ପଞ୍ଚଶୀଳ ନୀତି କେବେ ଗୃହୀତ ହେଲା ନା 1955 ମସିହାରେ, 1954 ମସିହାରେ ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହେଲା, 1955 ମସିହାରେ ବାନ୍ଦୁଙ୍ଗ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଗୃହୀତ ହେଲା। ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, 6 ନମ୍ବର, କେଉଁ ମସିହା ଜୁଲାଇ ମାସରେ ଚୀନ ସୈନ୍ୟମାନେ ଖୁର୍ନାକୁରୁ କେତେକ ଭାରତୀୟ ସୈନ୍ୟକୁ ବନ୍ଦୀ କରି ଅକ୍ଟୋବର ମାସରେ 9 ଜଣ ଭାରତୀୟ ସୈନ୍ୟକୁ ହତ୍ୟା କରିଥିଲେ? ତାହେଲେ ଏହାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ନା 1969 ମସିହା, ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଗ। 7 ନମ୍ବର ଦେଇଛି, କେବେ ଚୀନର ଭାରତ ଆକ୍ରମଣ ସଂଘଟିତ ହୋଇଥିଲା? ତାହେଲେ ଚୀନ ଭାରତ ଆକ୍ରମଣ କେବେ କରିଥିଲା? 1962 ମସିହାରେ। ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, 8 ନମ୍ବର, ଦେଖ ଚୀନ ଭାରତ ଆକ୍ରମଣ ପରେ କେଉଁ ଦେଶ ଚୀନ ଆଉ ଭାରତ ମଧ୍ୟରେ ଶାନ୍ତି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ କରିଥିଲା? ତାହେଲେ କେଉଁ ଦେଶ? ଶ୍ରୀଲଙ୍କା, ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଶ୍ରୀଲଙ୍କାର କଲମ୍ବୋଠାରେ ଆମର କ'ଣ ହେଇଥିଲା, ଶାନ୍ତି ଚୁକ୍ତି ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହୋଇଥିଲା। ଯେମିତି ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନ ଭିତରେ ସୋଭିଏତ ରୁଷ ଆସିଥିଲା, ଶାନ୍ତି ଚୁକ୍ତି କରିଥିଲା ତାସ୍କେଣ୍ଟଠାରେ, ସେମିତି ଭାରତ ଚୀନ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ଯୁଦ୍ଧ ହୋଇଥିଲା ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଆସିଥିଲା ଶାନ୍ତି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ କରିଥିଲା। 9 ନମ୍ବର, ଦେଖିବା ଭାରତ ଚୀନ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରକୃତ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରେଖାକୁ ସମ୍ମାନ ଦେବାକୁ କେବେ ଉଭୟ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ରାଜିନାମା ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହେଲା? ତାହେଲେ ଏହାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଯେଉଁ କ'ଣ 9 ନମ୍ବର, 1993 ମସିହାରେ ରାଜିନାମା ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହୋଇଥିଲା। 10 ନମ୍ବର, କେବେ ଭାରତ ଆଉ ଚୀନ ମଧ୍ୟରେ ଶାନ୍ତି ଓ ସ୍ଥିରତାର ଚୁକ୍ତି ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହୋଇଥିଲା? ତାହେଲେ ଭାରତ ଆଉ ଚୀନ ମଧ୍ୟରେ ଶାନ୍ତି ଆଉ ସ୍ଥିରତାର ଚୁକ୍ତି କେବେ ନା 1995 ମସିହାରେ। ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, 11 ନମ୍ବର, ଚୀନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଝୁ ରୋଙ୍ଗଜୀ କେବେ ଭାରତ ଗସ୍ତରେ ଆସିଥିଲେ? ତାହେଲେ ଚୀନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଝୁ ରୋଙ୍ଗଜୀ କେବେ ଆସିଥିଲେ? ଆମ 11 ନମ୍ବର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କ'ଣ ନା 2002 ମସିହାରେ। 12 ନମ୍ବର, ଦେଖିବା 12 ନମ୍ବର କହିଛି, କେବେ ଭାରତର ମହାକାଶ ଆୟୋଗ ଆଉ ଚୀନର ମହାକାଶ ଶିଳ୍ପ ମଧ୍ୟରେ ବୁଝାମଣା ପତ୍ର ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହୋଇଥିଲା? ତାହେଲେ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଯେଉଁ କ'ଣ ନା ସେଇ 2002 ମସିହାରେ। ବୁଝିପାରିଲ? ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା କ'ଣ ନା ଭାରତ ଆଉ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା, ଭାରତ ଆଉ ଆମର ପଡ଼ୋଶୀ ଦେଶ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା, ବୁଝିପାରିଲ? ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଭାରତର କେଉଁ ଦିଗରେ ଅଛି? ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଭାରତର କେଉଁ ଦିଗରେ? ଏଇ ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗରେ ଅଛି। ଏଇଟା ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ନା ଏଇଟା ଆମର ଭାରତ ରହିଲା? ବୁଝିପାରିଲ? ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗରେ ଅଛି। ଦେଖିବା ପ୍ରଥମ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଇଛି, ଶ୍ରୀଲଙ୍କାର ପ୍ରଥମ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଏ ଥିଲେ? ତାହେଲେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାର ପ୍ରଥମ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଏ ଥିଲେ ନା ଡିଏସ୍ ସେନାନାୟକେ, ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଗ ହେଇଯିବ କ'ଣ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର, ମନେ ରଖିବ। 2 ନମ୍ବର ଦେଇଛି, ଭାରତ ଚୀନ ଯୁଦ୍ଧ ପରେ ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟସ୍ଥତା କରିବା ପାଇଁ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାର କେଉଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଉଦ୍ୟମ କରିଥିଲେ? ତାହେଲେ ଯେଉଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଉଦ୍ୟମ କରିଥିଲେ ତାଙ୍କ ନାଁ କ'ଣ ନା ସିରିମାଭୋ ବନ୍ଦର ନାୟକେ। ବୁଝିପାରିଲ? ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଖ ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ପିଲାମାନେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଯଦି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମେ ଲାଇକ୍ କରିନ, ଲାଇକ୍ କରିକି ନିଜର ଆଟେଣ୍ଡାନ୍ସ ପକାଇ ଦିଅ ଯେ ହଁ ସାର୍ ମୁଁ କ୍ଲାସ୍ରେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଅଛି। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓକୁ ସେୟାର କରିବାକୁ ଜମାରୁ ଭୁଲ ନାହିଁ, ସମସ୍ତେ ଆଗ ଭିଡ଼ିଓକୁ ସେୟାର କରିଦିଅ। ତୁମେମାନେ ଖାଲି ଦେଖିଦେଉଛ ଭିଡ଼ିଓକୁ କିନ୍ତୁ ସେୟାର କେହି କରୁନ, ସେୟାର କର, ସମସ୍ତେ ସେୟାର କର, ଆଗ ସମସ୍ତେ ସେୟାର କର ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ, 2ରୁ 3 ଥର ସେୟାର କର। ବୁଝିପାରିଲ? ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, 3 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ତୁମେ ଏଇ ଯେତକ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କରାଯାଉଛି ତାକୁ କେବଳ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିକି ଯାଅ, ନିଶ୍ଚୟ ପରୀକ୍ଷାରେ ତୁମ ଭଲ ନମ୍ବର ଆସିବ। ଯେତକ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ କରାହେଉଛି ତାକୁ ଭଲସେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିକି ଯାଅ, ପରୀକ୍ଷାରେ ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ ନମ୍ବର ଆସିବ। ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, 3 ନମ୍ବର, ଦେଖ ସ୍ୱାଧୀନତା ପରେ ଭାରତର ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ସହିତ ମତାନ୍ତର ପାଇଁ ପ୍ରଥମ ଆଉ ମୁଖ୍ୟ ଘଟଣା କ'ଣ ଥିଲା? ତାହେଲେ ଭାରତ ଆଉ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ମୁଖ୍ୟ ଘଟଣା କ'ଣ ହେଲା ଯାହା ଯୋଗୁଁ ଭାରତ ଆଉ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଭିତରେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ବା ଯୁଦ୍ଧ ଲାଗିଲା, ମୁଖ୍ୟ ଘଟଣା ହେଲା ନା ଶ୍ରୀଲଙ୍କାବାସୀମାନଙ୍କର ଏକ ଅଲଗା ଦେଶ ଗଠନ ପାଇଁ ଦାବି ହୋଇଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ବା ମତାନ୍ତର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। 4 ନମ୍ବର ଦେଖିବା, 4 ନମ୍ବର ଦେଇଛି, ଶ୍ରୀଲଙ୍କାରେ ତାମିଲମାନଙ୍କ ଦାବି ଉପସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ କିଏ ଫେଡେରାଲ ଦଳ ଗଠନ କରିଥିଲେ? ତାହେଲେ ଫେଡେରାଲ ଦଳ କିଏ ଗଠନ କରିଥିଲେ
ना एस जे भी चल्लभ नायकम, एस जे भी चल्लभ नायकम ऑप्शन नंबर क इज योर राइट आंसर। पांच नंबर देखा कहार नेतृत्व समय श्रीलंका फेडराल दल तमिल यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट रे परिवर्तन है तेल कहार नेतृत्व में राइट आंसर जो कौन अमृत लिंगम बुझिपाल। देखा नेक्स्ट क्वेश्चन छः नंबर क्वेश्चन वर्णगत समस्या समाधान पर भारत प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और श्रीलंका प्रधानमंत्री कोटेलावाला केवे चुक्तिपत्र स्वाक्षरित होता है तो यार राइट आंसर कौन ना 1953 मसीह चुक्तिपत्र स्वाक्षरित होता जहाँफल कौन होता ना वर्णगत समस्या समाधान करने यह चुक्ति स्वाक्षरित होता। सात नंबर देखा सात नंबर देखिए 1964 मसीह राष्ट्रविहीन लोक मान समस्या को नहीं श्रीलंकार क्यों प्रधानमंत्री भारत प्रधानमंत्री लालबहादुर शास्त्री सहित एक राजीनामा स्वाक्षर करते श्रीलंकार से प्रधानमंत्री नाम कौन ना सिरिमाभो बंदरनायक। देखा नेक्स्ट क्वेश्चन आठ नंबर क्वेश्चन देख आठ नंबर क्वेश्चन देखिए केवे भारत और श्रीलंका मध्य सामुद्रिक जलसीमा संपर्कित राजीनामा स्वाक्षरित होता है सामुद्रिक जलसीमा राजीनामा केवे स्वाक्षरित होता ना 1974 मसीह ऑप्शन नंबर ग हो कौन राइट आंसर। देख नेक्स्ट क्वेश्चन नौ नंबर क्वेश्चन नौ नंबर क्वेश्चन देखिए भारत और श्रीलंका यथाक्रमे क्यों नेता द्वय सामुद्रिक जलसीमा प्रसंग एक राजीनामा संपादन करते सामुद्रिक राजीनामा तो आम देखिले 1974 मसीह कि नेता दिज किए थे ना भारत प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी आउ श्रीलंकार प्रधानमंत्री सिरिमाभो बंदरनायक। दस नंबर देखा केवे वामपंथी आंदोलन श्रीलंका अस्थिरता सृष्टि कर श्रीलंकर अस्थिरता वामपंथी आंदोलन 1971 मसीह सृष्टि होता। एगार नंबर देखा एगार नंबर देखिए 1971 मसीह भारत क्यों देश सहित स्वाक्षरित चुक्ति को श्रीलंकार किसी गोष्ठी समालोचना करते जो कौन ना सोभियत रुषिया सहित भारत जो चुक्ति करता श्रीलंकार किसी लोक समालोचना करते। बार नंबर देख बार नंबर देखिए क्यों प्रसंग में भारत और श्रीलंका मध्य 1975 मसीह एक राजीनामा स्वाक्षरित होता 1975 जो राजीनामा स्वाक्षरित होता तहार टॉपिक कौन थी ना विज्ञान आ वैषयिक क्षेत्र में सहयोग परस्पर भितर किपर सहयोग करेंगे ताप 1975 मसीह एक राजीनामा स्वाक्षरित होता बुझिपाल। तेर नंबर देख तेर नंबर देखिए केवे श्रीलंका तमिल आउ सिंहणी मध्य कंदल उग्र रूप धारण कला तमिल आ जो सिंहणी मान गंडगोल के रईट आंसर जीव 1983 मसीह बुझिपाल। देखा नेक्स्ट क्वेश्चन चौदह नंबर श्रीलंकार यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट केवे एक स्वतंत्र तमिल राष्ट्र दाबी करता स्वतंत्र तमिल राष्ट्र से 1988 मसीह दाबी करते। देख नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पंदर नंबर श्रीलंका किए तमिल व्याघ्र नेता भाव परिचित तमिल व्याघ्र नेता आमर किए राइट आंसर जीव पंदर नंबर पंदर नंबर राइट आंसर कौन ना ऑप्शन नंबर ख प्रभाकरण प्रभाकरण आमर कौन ना तमिल व्याघ्र नेता रूपे परिगणित बा परिचित। देखा नेक्स्ट षोल नंबर श्रीलंका तमिल उग्रपंथी मानक भारत प्रोत्साहित करुच्ची किए अभोग करते राइट आंसर कौन ना जयवर्धन जयवर्धन अभोग करते भारत ताकू प्रोत्साहन दौर प्रोत्साहित करुच्ची। सतर नंबर देख सतर नंबर देखिए 1983 मसीह 1986 मसीह मध्य प्राय 25,000 तमिल शरणार्थी भारत को आसवाप श्रीलंका स्वाभाविक अवस्था फेर आने प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी कहा सहित आलोचना करते कहा सहित इंदिरा गांधी आलोचना करते सतर नंबर राइट आंसर कौन ना जयवर्धने सहित आलोचना करते से श्रीलंकार प्रधानमंत्री जयवर्धने थे। अठर नंबर देखा कहा नेतृत्व में श्रीलंकार एक प्रतिनिधि दल भारत प्रधानमंत्री को साक्षात कर शांति प्रतिष्ठा आलोचना करते अठर नंबर राइट आंसर कौन अमृत लिंगम को नेतृत्व में। देखा नेक्स्ट क्वेश्चन उन्नीस नंबर देख देखिए क्यों प्रधानमंत्री को समय श्रीलंकार शांति प्रतिष्ठा भारतीय शांतिरक्षा सामरिक बाहन पठा जाता है क्यों जो श्रीलंकार शांतिरक्षा किए पठाई ना राजीव गांधी से भारत प्रधानमंत्री थे। कोड़े नंबर देखा श्रीलंका को भारतीय शांतिरक्षा सामरिक बाहन पठाइवापी राजीनामा के राजीनामा के कोड़े नंबर राइट आंसर कौन ना 1987 मसीह राजीव गांधी पठाई कि राजीनामा के 1987 मसीह। एक नंबर देखा श्रीलंका प्रधानमंत्री चंद्रिका कुमार तुंग केवे भारत गस्तर आसते श्रीलंका प्रधानमंत्री केवे आई ना 1995 मसीह भारत को आसी। देखा नेक्स्ट क्वेश्चन 22 नंबर श्रीलंका प्रधानमंत्री चंद्रिका कुमार तुंग भारत गस्त समय क्यों विषय आलोचना करा
ତାହେଲେ କେଉଁ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲା ରାଇଟ୍ ଅନ୍ ସେ ଯେଉଁ କ'ଣ ନା ବର୍ଣ୍ଣ ବୈଷମ୍ୟ ଜନିତ ସଂଘର୍ଷ ଓ ସନ୍ତ୍ରାସବାଦର ବିଲୋପ ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଥିଲା। 23 ନମ୍ବର ଦେଖିବା ଯେଉଁଟାକି ଆମର ଭାରତ ଆଉ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଭିତରେ ଶେଷ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। 23 ନମ୍ବର ଦେଇଛି ଚନ୍ଦ୍ରିକା କୁମାରତୁଙ୍କ ସମୟରେ କେଉଁ ସଂଗଠନ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ସରକାରଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଆନ୍ଦୋଳନ ଚଳାଇଥିଲା। ତାହେଲେ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଯେଉଁ କ'ଣ ନା ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଯେଉଁ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଗ ତାମିଲ ଇଲମ୍ ଲିବରେସନ୍ ଟାଇଗରସ୍, ୟାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଯେଉଁ କ'ଣ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଗ। ବୁଝିପାରିଲ? ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ପାଖାପାଖି ଆମେ 43 କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କରିଦେଲେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଭିଡ଼ିଓକୁ ତୁମେ ଯଦି ସେୟାର କରିନ ସମସ୍ତେ ସେୟାର କର, ବହୁତ କମ୍ ପିଲା ଅଛ, ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ଆଗ ଭିଡ଼ିଓକୁ ସେୟାର କର। ତାପରେ ଆମେ ଭାରତ ଆଉ ନେପାଳ ଭିତରେ ଥିବା ସମ୍ପର୍କରେ ଯେତକ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଛି ତାକୁ ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା। ଦେଖ ଭାରତ ଆଉ ନେପାଳ ଭିତରେ ସମ୍ପର୍କ, ପ୍ରଥମ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଇଛି କିଏ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ଆମେ ନେପାଳର ସ୍ୱାଧୀନତା ଚାହୁଁ ଏବଂ ତତ୍ସହିତ ଭାରତର ନିରାପତ୍ତା ମଧ୍ୟ ଅକ୍ଷୁର୍ଣ୍ଣ ରଖିବୁ। ଏହାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଯେଉଁ କ'ଣ, କିଏ କଥା ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ, ଲାଲ ବାହାଦୁର ଶାସ୍ତ୍ରୀ, ନା ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ, ନା ମୋରାଜୀ ଦେଶାଇ, ନା ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ। ତାହେଲେ ଏହାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଯେଉଁ କ'ଣ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଘ ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ ରକ୍ଷା ଏଇ ଯେଉଁ ଏଇଭଳିଆ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, କେବେ ଭାରତ ଓ ନେପାଳ ମଧ୍ୟରେ ଶାନ୍ତି ଓ ବନ୍ଧୁତାର ଚୁକ୍ତି ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହୋଇଥିଲା? ତାହେଲେ କେବେ, ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଯେଉଁ କ'ଣ 1950 ମସିହାରେ। ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଦେଖ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ କହିଛି, ଦେଇଛି 1950 ମସିହା ଜୁଲାଇ 31 ତାରିଖରେ ଭାରତ ଓ ନେପାଳ ମଧ୍ୟରେ କେଉଁ ପ୍ରକାର ଚୁକ୍ତି ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହୋଇଥିଲା? ତାହେଲେ କେଉଁ ପ୍ରକାର ଚୁକ୍ତି, ନା ବାଣିଜ୍ୟିକ ଚୁକ୍ତି। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଗ ହେଇଯିବ କ'ଣ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଦେଖ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, 4 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କହିଛି କେବେ ନେପାଳ ସଂଯୁକ୍ତ ରାଷ୍ଟ୍ରସଂଘର ସଦସ୍ୟତା ପାଇଁ ଭାରତର ସମର୍ଥନ ଲାଭ କରିଥିଲା? ତାହେଲେ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ କେବେ, ନା 1954 ମସିହାରେ। 5 ନମ୍ବର ଦେଖିବା, ନେପାଳ ସଂଯୁକ୍ତ ରାଷ୍ଟ୍ରସଂଘର ସଦସ୍ୟ ହେବା ସମୟରେ କିଏ ନେପାଳର ରାଜା ଥିଲେ? ତାହେଲେ ନେପାଳର ରାଜା କିଏ ଥିଲେ, ନା ରାଜା ତ୍ରିଭୁବନ ଥିଲେ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଗ ହେଇଯିବ କ'ଣ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। 6 ନମ୍ବର ଦେଖିବା, କାହାର ଚୀନ ପ୍ରତି ସମର୍ଥନ ଓ ଚାଉ ଏନ୍ ଲାଇଙ୍କ ସହିତ ଘନିଷ୍ଠତା ଫଳରେ ଭାରତ କ୍ଷୁବ୍ଧ ହୋଇଥିଲା? ତାହେଲେ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଯେଉଁ କ'ଣ, ନା ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଗ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଟିପି ଆଚାର୍ଯ୍ୟ, ସେ ଚୀନ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବାରୁ ଭାରତ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲା ବା କ୍ଷୁବ୍ଧ ହୋଇଥିଲା। 7 ନମ୍ବର ଦେଖିବା, ଚୀନ ପ୍ରତି ସମର୍ଥନ ଜଣାଇ କେଉଁ ରାଜାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କାଠମାଣ୍ଡୁ ଓ ଲାସା ମଧ୍ୟରେ ଏକ ସଡ଼କ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ରାଜିନାମାକୁ ଭାରତ ବିରୋଧ କରିଥିଲା? ତାହେଲେ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଯେଉଁ କ'ଣ 7 ନମ୍ବର, ନା ରାଜା ମହେନ୍ଦ୍ର। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଗ ହେଇଯିବ କ'ଣ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। 8 ନମ୍ବର ଦେଖିବା, କିଏ ଭାରତର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଥିବା ସମୟରେ ନେପାଳର ରାଜା ଏକ 13 ଦିନିଆ ଗସ୍ତରେ ଭାରତ ଆସିଥିଲେ? ତାହେଲେ କିଏ ସେତେବେଳେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ, ନା ଲାଲ ବାହାଦୁର ଶାସ୍ତ୍ରୀ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଖ ହେଇଯିବ କ'ଣ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, 9 ନମ୍ବର। 9 ନମ୍ବର ଦେଇଛି, 1964 ମସିହାରେ ନେପାଳ ଗସ୍ତରେ ଯାଇ ନେପାଳକୁ ଆର୍ଥନୈତିକ ସହାୟତା ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ଏକ ଚୁକ୍ତି ସ୍ୱାକ୍ଷର କରିଥିଲେ କିଏ? ତାହେଲେ 9 ନମ୍ବର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ, ନା ସର୍ଦ୍ଦାର ସ୍ମରଣ ସିଂ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଘ ହେଇଯିବ ଏହାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। 10 ନମ୍ବର ଦେଖିବା, କେବେ ଭାରତ ଓ ନେପାଳ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ବାଣିଜ୍ୟିକ ଚୁକ୍ତି ସ୍ୱାକ୍ଷର ହୋଇ ଉଭୟ ଦେଶ ପାଇଁ ଏକ ସାଧାରଣ ବଜାର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା? ତାହେଲେ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ କେବେ, ନା 1961 ମସିହାରେ। 11 ନମ୍ବର ଦେଖିବା, କେଉଁ ରାଜାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନେପାଳକୁ ଏକ ଶାନ୍ତିର ଅଞ୍ଚଳ ଭାବେ ଘୋଷଣା କରୁ ଭାରତ ଗ୍ରହଣ କରିନଥିଲା? 11 ନମ୍ବର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ, ନା ରାଜା ବୀରେନ୍ଦ୍ର। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର କ ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। 12 ନମ୍ବର ଦେଖ, ନେପାଳକୁ ଏକ ଶାନ୍ତିର ଅଞ୍ଚଳ ଭାବେ ଘୋଷଣାକୁ ଭାରତ ଗ୍ରହଣ ନ କରିବାର କାରଣ କ'ଣ ଥିଲା, ଭାରତ କ'ଣ ପାଇଁ ଗ୍ରହଣ କଲାନି? ଏହାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ, ନା ଘୋଷଣାରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କେତେକ ଭାରତ ବିରୋଧୀ ସର୍ତ୍ତ ଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ଭାରତ ଏହାକୁ ଗ୍ରହଣ କଲା ନାହିଁ। 13 ନମ୍ବର ଦେଖିବା, କିଏ ଭାରତର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଥିବା ସମୟରେ ଭାରତ ଓ ନେପାଳ ମଧ୍ୟରେ 2ଟି ବାଣିଜ୍ୟିକ ଚୁକ୍ତି ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହୋଇଥିଲା? ତାହେଲେ ସେତେବେଳେ ଭାରତର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଏ ଥିଲେ, ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଯେଉଁ କ'ଣ, ନା ସେତେବେଳେ ଥିଲେ ମୋରାଜୀ ଦେଶାଇ। କିଏ? ମୋରାଜୀ ଦେଶାଇ। ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, 15 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖ, ଦେଇଛି କେବେ ଉଭୟ ଭାରତ ଓ ନେପାଳ ସାର୍କ ସଂଗଠନ ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ସଦସ୍ୟ ଥିଲେ? ତାହେଲେ ଭାରତ ଓ ନେପାଳ ସାର୍କ ସଂଗଠନ ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ସଦସ୍ୟ କେବେ ଥିଲେ? 14 ନମ୍ବର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ କେବେ, 1985 ମସିହାରେ। 15 ନମ୍ବର ଦେଖ, 1990 ମସିହା ଏପ୍ରିଲ ମାସ 8 ତାରିଖରେ ନେପାଳରେ କେଉଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା? ତାହେଲେ ନେପାଳରେ କ'ଣ ହେଇଥିଲା, ନା ଏକଛତ୍ରବାଦୀ ରାଜତନ୍ତ୍ରର ଅବସାନ ଘଟିଥିଲା। ଯେଉଁ ରାଜାମାନେ ଶାସନ କରୁଥିଲେ ସେ ରାଜତନ୍ତ୍ରର ଅବସାନ ଘଟିଥିଲା କେବେ, ନା 1990 ମସିହା ଏପ୍ରିଲ 8 ତାରିଖରେ। 16 ନମ୍ବର ଦେଖିବା, କିଏ ନେପାଳର ନିର୍ବାଚନ ସଂସଦକୁ 2005 ମସିହାରେ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଥିଲେ? ତାହେଲେ ନିର୍ବାଚନ ସଂସଦକୁ କିଏ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଥିଲେ, ନା ରାଜା ଜ୍ଞାନେନ୍ଦ୍ର। ରାଜା ଜ୍ଞାନେନ୍ଦ୍ର ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଥିଲେ ଯେଉଁ ସଂସଦ ନିର୍ବାଚନ ହୋଇଥିଲା 2005 ମସିହାରେ। 17 ନମ୍ବର ଦେଖିବା, କେଉଁ ଘଟଣା ପରେ ଭାରତ ସହିତ ନେପାଳର ଘନିଷ୍ଠତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଲା? ତାହେଲେ କେଉଁ ଘଟଣା ପରେ ପରେ, ନା ବହୁଦଳୀୟ ଗଣତନ୍ତ୍ର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଯେଉଁଦିନଠୁ ନେପାଳରେ ହେଲା ଭାରତ ସହାୟତାରେ ହୋଇଥିଲା, ସେହିଦିନଠାରୁ ଭାରତ ଆଉ ନେପାଳର ଘନିଷ୍ଠତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଲା, ଆଗରୁ ତାଙ୍କର ରାଜତନ୍ତ୍ର ଚାଲୁଥିଲା। 58 ନମ୍ବର ଦେଖିବା,
केबे नेपाल रे सांविधानिक राजतंत्र प्रतिष्ठित होइतिला तले राजतंत्र केबे तांगर प्रतिष्ठा होइतिला 1990 मसिया रे 19 नंबर देखिया केबे नेपाल ओ भारत मध्ये चारि गोटी चुक्तिनामा स्वाक्षरित होइतिला तले नेपाल ओ भारत मध्ये चारि गोटी चुक्तिनामा 1991 मसिया रे स्वाक्षरित होइतिला बुझि पाइल बर्तमान देखिबा भारत आउ भूटान मध्ये संपर्क तले देख प्रथम क्वेश्चन कौन दे ना केबे भारत आउ भूटान मध्ये बंधुत्वर संधि स्वाक्षरित होला तले भारत आउ भूटान मध्ये बंधुत्वर संधि केबे स्वाक्षरित होला ना 1949 मसीहा रे देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन दुई नंबर क्वेश्चन कहिछि भारत आउ भूटान मध्ये स्वाक्षरित बंधुत्वर संधि केबे परिमार्जित आउ समय उपयोगी करा जायतिला तले परिमार्जित केबे हेतिला 2007 मसीहा रे स्वाक्षरित होता 1949 2007 मसीह तार कौन कराला परिमार्जन करागला तीन नंबर देखा केबे भूटान राजधानी खुंपी ठारु जड़े आवासिक प्रतिनिधि निजुक्ति होगापे केबे भारत और भूटान मध्य कूटनैतिक संपर्क आरंभ होला तले भारत और भूटान मध्य कूटनैतिक संपर्क केबे ठारु आरंभ होला 1968 मसीह ठारु चार नंबर देखा भारत राष्ट्रपति रामस्वामी वेंकटरमण केबे भूटान ग्रस्त करते तले केबे भूटान ग्रस्त करते ना 1988 मसीहा रे देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन पांच नंबर भारत राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल केबे भूटान ग्रस्त करते प्रतिभा देवी सिंह पाटिल आम 2008 मसीहा रे भूटान ग्रस्त करते प्रतिभा देवी सिंह पाटिल ये मन रखिद एकमात्र महिला प्रथम आउ एकमात्र महिला राष्ट्रपति आम भारत बुझिपाल प्रथम आउ एकमात्र महिला राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल छः नंबर देखिए केबे भारत प्रधानमंत्री का प्रथम भूटान ग्रस्त होता तेल भारत प्रधानमंत्री का प्रथम भूटान ग्रस्त केबे 1958 मसीहा रे देखिबा नेक्स्ट सात नंबर देख कौन देखिए सात नंबर कही 2010 मसीहा पर्यंत भारत क्यों प्रधानमंत्री भूटान को दुई थर गस्त करते भूटान को दुई थर ग्रस्त करते किए ना मनमोहन सिंह आठ नंबर देखा प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह केबे 16वां सार्क शिखर सम्मेलन में जोगदेवा भूटान जाते तेल यार राइट आंसर के 2010 मसीहा सार्क शिखर सम्मेलन में नौ नंबर देखा भूटान ने प्रधानमंत्री लियाचेन जिग्मी वाई थिनेल भारत नूतन सरकार को संबोधना जनवाई केबे भारत आसी राइट आंसर जो कौन ना 2009 मसीहा दस नंबर देखा भूटान प्रधानमंत्री लियाचेन जिग्मी वाई थिनेल केबे बृद्धगया गस्त करते से बृद्धगया केबे गस्त करते दस नंबर राइट आंसर कौन ना 2010 मसीहा 2009 भारत आसते 2010 रे बुद्धगया ग्रस्त करते 11 नंबर देखा भूटान प्रधानमंत्री लियाचेन जिग्मी वाई थिनेल केबे कोलकाता गस्त करते कोलकाता गस्त केबे करते 11 नंबर राइट आंसर कौन ना 2011 मसीहा 2009 आसी 2010 बुद्धगया जाते कोलकाता 2011 मसीहा जाते मन रखिद देखा नेक्स्ट बार नंबर देखिए भूटान प्रधानमंत्री लियाचेन जिग्मी वाई थिनेल 2011 मसीह भारत को द्वितीय गस्तर उद्देश्य कौन थी तेल द्वितीय गस्तर से कौन पर भारत को आसते ना हिरेज मुखार्जी स्मारक वक्तृता प्रदान पर हिरेज मुखार्जी स्मारक वक्तृता प्रदान पर भारत को 2011 मसीह आसते कोलकाता गस्त करते बुझिपाल एवं देखा आम पड़ोशी देश आउ गोटे पड़ोशी देश किए ना भारत आ बांग्लादेश बांग्लादेश आ भारत बांग्लादेश जोटा कहता संपर्क भितरे कौन कौन सब क्वेश्चन आम परीक्षा देखा मिले ताकू बर्तमान डिस्कसन करवा देख प्रथम क्वेश्चन केबे भारत और बांग्लादेश मध्यरे प्रथम चुक्ति स्वाक्षरित होता तार प्रथम चुक्ति 1971 मसीह स्वाक्षरित होता जेबे बांग्लादेश जन्म होगा अर्थात आगुरु बांग्लादेश आमर रहा ये भारत ये अच्छी आमर बांग्लादेश लोकेशन सब बेले मन रख श्रीलंका ये आम उपरे चीन रहा पाकिस्तान एक रहा एक तिब्बत ये भूटान मैंने ना ये नेपाल ये भूटान ये नेपाल अच्छी बुझिपाल तेणु लोकेशन मन रख भारत आगुरु बांग्लादेश आउ कौन ना पाकिस्तान मिसी गोटे थी 1971 मसीहा बांग्लादेश गोटे नूतन देश भाव गढ़ी उठला और भारत महत्वपूर्ण भूमिका रही दुई नंबर देखा भारत और बांग्लादेश मध्य स्वाक्षरित प्रथम चुक्ति में बांग्लादेश तरफ किए स्वाक्षर करते बांग्लादेश तरफ किए स्वाक्षर करते नजरुल इस्लाम स्वाक्षर करते देखा नेक्स्ट क्वेश्चन तीन नंबर भारत और बांग्लादेश मध्य शांति और बंधुता स्थापन केबे उक्त चुक्ति स्वाक्षरित होता तेल शांति आउ बंधुता स्थापन पर 1972 मसीह चुक्ति स्वाक्षरित होता चार नंबर देखा चार नंबर प्रश्न कही भारत और बांग्लादेश मध्य शांति आउ बंधुता स्थापन पर संपादित चुक्ति
बांग्लादेश तरफ रु किए स्वाक्षर करते बांग्लादेश तरफ रु किए स्वाक्षर करते मुजिबुर रेहमान। मुजिबुर रेहमान स्वाक्षर करते। पांच नंबर देख, पांच नंबर प्रश्न कही भारत और बांग्लादेश मध्य संपादित वाणिज्यिक चुक्ति अनुसार बांग्लादेश को बांग्लादेश रु भारत बजार को आसीथिया द्रव्य मानक मध्यरे केउति अंतर्भुक्त नथिला। ताले को कौ द्रव्य जो आसीथिला ता भीतर कोटा नथिला खनिज पदार्थ नथिला। बुझि पाइलो राइट आंसर जो कौन खनिज पदार्थ। पिला माने वीडियो को समस्त टिके शेयर कर दियो कारण गोटे वीडियो बनाया पे बहुत परिश्रम लागुछ तुम पई तुम परीक्षा पई एपे इंपोर्टेंट इंपोर्टेंट क्वेश्चन सब आम आणुचु तेणु तुम तो कम होला ना शेयर करवा तेणु समस्त वीडियो को शेयर कर दियो। देख नेक्स्ट क्वेश्चन छः नंबर क्वेश्चन देखिए भारत और बांग्लादेश मध्य संपादित वाणिज्यिक चुक्ति अनुजाई भारत बांग्लादेश बजार को क्यों द्रव्य पठाई नथिला। ताले भारत कौन पठाई नथिला झोट पठाई नथिला। आमर बांग्लादेश आमर खनिज पदार्थ पठाई नथिला भारत झोट पठाई नथिला। देख नेक्स्ट क्वेश्चन सात नंबर भारत और बांग्लादेश मध्य सुसंपर्क विचलित हो पाकिस्तान केबे बांग्लादेश को एक स्वाधीन राष्ट्र भाव स्वीकृति दे बांग्लादेश भारत विरोधी मनोभाव को उत्साहित कला। जो पाकिस्तान कौन कला ना भारत विरोधी मनोभाव 1974 मसीह स्वीकृति देदेला हाँ तुम गोटे स्वतंत्र देश है आ बर्तमान से भारत विरोध में उकेला बुझिपाला पाकिस्तान। देखियो नेक्स्ट क्वेश्चन आठ नंबर कहार कार्यकाल समय बांग्लादेश निजर धर्मनिरपेक्षता हर निजर धर्मनिरपेक्षता के एरसाद जब शासन करुले एरसाद शासन कार्यकाल समय बांग्लादेश निजर धर्मनिरपेक्षता हर। नौ नंबर देखा एबेठारु बांग्लादेश रे भारत विरोधी और पाकिस्तान सपक्षवादी शक्ति सक्रिय होला। ताले भारत विरोधी शक्ति केबेठु सक्रिय होला ना 2001 मसीहारु पाकिस्तान सफल हो गला भारत विरोधी शक्ति बा सपक्षवादी शक्ति केन्द्रीय करिया पे। दस नंबर देखिबा केबे भारत और बांग्लादेश मध्य गंगा नदी जल बंटन संपर्कित चुक्ति होइतिला। ताले गंगा नदी जल बंटन चुक्ति केबे होइतिला ना 1996 मसीहारे। बुझिपाल समस्त बुझिपाल भारत बांग्लादेश संपर्क। एबे देखिबा आमर शेष देश जोटा शेष पड़ोसी देश भारत आउ म्यांमार संपर्क में जिते क्वेश्चन से आसो आ दस टी क्वेश्चन रहा जल्दी जल्दी ताको सारी दबा। देख दे कहार म्यांमार गस्त भारत प्रधानमंत्री स्तरीय नेता उक्त देश को प्रथम गस्त थिला। ताले प्रथमे किए जाते जवाहरलाल नेहरू प्रथमे म्यांमार को जाते। देखिए नेक्स्ट दुई नंबर किए भारत गस्तरे आसी म्यांमारे आंदोलनकारी चली दमनलीला को विरोध करने आह्वान देते। ताले किए आसते ना इब्राहिम गंभारी। इब्राहिम गंभारी आसिक आमर म्यांमारे जो आंदोलनकारी चली जो दमनलीला को विरोध करने आह्वान देते। तीन नंबर देखिए तीन नंबर प्रश्न कही म्यांमार पर संयुक्त राष्ट्रसंघ तरफ स्वतंत्र प्रतिनिधि भाव निजुक्त प्रतिनिधि इब्राहिम गंभारी केबे भारत गस्तरे आसते। ताले केबे से भारत गस्तरे आसते ना 2007 अक्टोबर मसरे। देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन चारि नंबर केबे म्यांमार वैदेशिक मंत्री न्यान उइन भारत गस्तरे आसी प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को साक्षात करते। वैदेशिक मंत्री न्यान उइन म्यांमार के आसी 2008 मसीह जानुरी आसी। देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन पांच नंबर क्वेश्चन पांच नंबर क्वेश्चन कही भारत स्वाधीनता प्राप्ति समय किए म्यांमार प्रधानमंत्री थे। ताले म्यांमार प्रधानमंत्री से किए थे युनु थे किए युनु। छः नंबर देखा केवे म्यांमारे जनरल ने नेतृत्व में सामरिक शासन प्रतिष्ठा होता। ताले सामरिक शासन म्यांमारे केवे प्रतिष्ठा होता ना 1962 मसीह। देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन सात नंबर कहार प्रधानमंत्री समय जातीय निरापत्ता को दृष्टि रखी भारत आउ म्यांमार मध्य अनेक थर द्विपाक्षिक आलोचना कर द्विपाक्षिक आलोचना केबे करा ना नरसिंह राव को प्रधानमंत्री समय। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आठ नंबर क्वेश्चन आठ नंबर क्वेश्चन कही केबे म्यांमार आउ भारत मिलित वाणिज्यिक कमिटी दुई देश मध्य सीमा वाणिज्यिक स्वाभाविक वाणिज्यिक परिणत करने आलोचना करते। ताले राइट आंसर कौन ना 2008 अक्टोबर मसरे ऑप्शन नंबर घ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नौ नंबर क्वेश्चन 2008 मसीह जानुरी 7 तारीख में भारत सरकार क्यों विषय घोषणा करते। क्यों विषय घोषणा करते ना कालादाना प्रकल्प निर्माण यही दिन घोषणा कर। देखा आज शेष क्वेश्चन दस नंबर क्वेश्चन दौचा भारत और म्यांमार स्थल बाहन मुख्य केवे उभय देशर सुरक्षापी शिलंग ठारे आलोचना करते। केवे ना 2000 मसीह आलोचना होता। ताले पे एथि सहित पाखापाखि आम 100 क्वेश्चन डिस्कसन करदे 100 इंपोर्टेंट MCQ जोटा कि भारत आर पड़ोसी राष्ट्र आसो पूरा पार्ट पार्ट करा भारत पाकिस्तान भारत चीन भारत श्रीलंका भारत म्यांमार भारत भूटान भारत बांग्लादेश तेणु सबूगुड़िक तुम प्राक्ट कर
ଭିଡ଼ିଓଟି କୁ 2-3 ଥର ଦେଖିବ, ଯାହାଫଳରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ତୁମର ମନେ ରହିଯିବ। ଆଉ ହଁ, ଭିଡ଼ିଓକୁ ସମସ୍ତେ ସେୟାର କରିବ, କାରଣ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ ଲାଗୁଛି ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ କରିବା ପାଇଁ, ତୁମ ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆଣିବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ତୁମର ପ୍ରଥମ କାମ ହେଲା ଭିଡ଼ିଓକୁ ସେୟାର କରିବ ଆଉ ପାଠ ପଢ଼ିବ। ଆଉ ଅଳ୍ପ ଦିନ ରହିଲା, ଭଲ ଭାବେ ପାଠ ପଢ଼, ଖୁସିରେ ପଢ଼, ଜମା ବି ଟେନସନ୍ ନିଅନି। ଯାହା ତୁମକୁ ଟିପ୍ସ ଦିଆହେଇଛି, ଯିଏ ବି ଯେଉଁଠୁ ଟିପ୍ସ ପାଉଛ, ଯାହା ବି ପାଉଛ, ପରିଶ୍ରମ କରିଚାଲ, ସଫଳତା ନିଶ୍ଚୟ ମିଳିବ। ତାହେଲେ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ରହୁଛି, ଧନ୍ୟବାଦ।